टेक वन चैनल की टीम लगातार सुबह से ही 9 बजे से ही आपको कठुआ जिला विकास परिषद के जो नतीजे आ रहे हैं उनसे आपको रूबरू करा रही है। इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में हैं। हम आपको बता दें 14 सीटों से 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। हम आपको बता दें कि 14 ब्लॉकों में से 13 जो सीटें हैं वो भाजपा ने जीती हैं, एक जो सीट है वो नगरी की बसपा के प्रत्याशी संदीप मजोत्रा ने वो सीट जीत ली है। हम आपको बता दें कि पूरी विस्तार से हम आपको जानकारी देते हैं कि कठुआ कीड़िया गड्याल ब्लॉक में भाजपा की श्वेता सिंह ने DDS की कांता अंडोत्रा को हराया है। वहीं नगरोटा गजरू की बात करें तो भाजपा के नारायण दत्त ने कांग्रेस के भूत सिंह को हराया है। मांडरी ब्लॉक में भाजपा की नीरू देवी ने कांग्रेस की कांता को हराया है। मानपुर में भाजपा के तेजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह को हराया है। लोहाई मलार में भाजपा के किशोर कुमार ने कांग्रेस के तीर्थराम को हराया है। बनोटी ब्लॉक के से भाजपा की प्रत्याशी सुषमा देवी ने जीत हासिल की है। वहीं अगर हम कठुआ की बात करें तो कठुआ में रघुनंदन सिंह बबलू ने अपनी जीत दर्ज की है। उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कठुआ से पूर्व विधायक रहे चरणजीत को हराया है। वहीं अगर हम हीरानगर की बात करें तो हीरानगर के पहले जो ट्रेंड आ रहे थे तो उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रहे थे, लेकिन हीरानगर के भाजपा के प्रत्याशी अभिनंदन शर्मा ने उनको हरा दिया है। भारी मतों से उनको हराया हुआ है। टेक वन चैनल आपको पल पल की इसकी खबर बता रहा है। इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SSP कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा, DC कठुआ OP भगत यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरी तरह से नजर बनाए यहाँ पे रखे हुए हैं। हरप्रीत सेठी, टेक वन चैनल, कठुआ।